वेलकम टू लेक्चर थर्टीन और हम लोग इसमें कुछ डीसी पांडे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं वेलकम टू लेक्चर थर्टीन और इसमें हम लोग डीसी पांडे क्वेश्चंस कुछ डिस्कस करने वाले हैं ठीक है तो फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं टू ब्लॉक्स ए एंड बी ऑफ मास टू एम शोन इन फिगर आर कनेक्टेड टूगेदर बाईट ऑन स्मूथ हॉरिजोंटल सर्फेस स्मूथ हॉरिजोंटल सर्फेस मतलब फ्रिक्शन प्रेजेंट नहीं है इन कॉन्टेक्ट विथ अ फिक्सड वर्टिकल वॉल देखिए ए इससे कॉन्टैक्ट में है कॉन्टेक्ट में है का मतलब कोई इनके बीच में नॉर्मल रिएक्शन होगा ठीक है द ब्लॉक बी इज प्रेस टूवर्ड्स द वॉल डिस्टेंस एक्स एक्स नॉट नॉट इसको कंप्रेस किया जाता है ठीक है फिर रिलीज कर दिया था देर इज नो फ्रिक्शन एनीवेयर कोई फ्रिक्शन कहीं नहीं है इफ द स्प्रिंग टेक्स टाइम डेल्टा टी टू एक्वायर इट्स नेचुरल लेंथ देन एवरेज फोर्स ऑन ब्लॉक ए बाई वॉल इज ठीक है इफ देर इज नो फ्रिक्शन एनीवेयर अगर स्प्रिंग डेल्टा टी टाइम में अपने नेचुरल लेंथ पे आ रही है तो पूछ रहा है कि एवरेज फोर्स कितना लगाया इस वॉल ने ठीक है तो देखो इस क्वेश्चन में इनिशियली जब इसको एक्स नॉट कंप्रेस किया जाएगा तो इनिशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम आप स्प्रिंग और मास को सिस्टम ले लो ठीक है टेक स्प्रिंग मास एज सिस्टम तो इनिशियल टोटल एनर्जी लेट्स कॉल इट एज ई आई ये कितना हो जाएगा हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर, ठीक स्क् वॉली पोजिशन जब एक्स नॉट इसको कंप्रेस कर दिया गया अब सिस्टम को छोड़ा जाएगा तो ये बार भागने की फितरत में होंगे ये इधर चलना चाहेगा ये इधर चलना चाहेगा अब क्योंकि इधर वॉल है तो कंस्टेंट हो जाएगा ए वॉल को पुश करेगा इंटर्न वॉल इस पर कोई फोर्स लगा रही होगी ठीक है या एन बोलते हैं इसे अब बी चलना शुरू करेगा जैसे ही ये नेचुरल लेंथ पे स्प्रिंग आएगी जैसे ही नेचुरल लेंथ पे स्प्रिंग आएगी स्प्रिंग का फोर्स जीरो हो जाएगा स्प्रिंग का फोर्स जैसे ही जीरो होगा तो ब्लॉक ए पे स्प्रिंग के द्वारा कोई फोर्स नहीं होगा ठीक है तो ब्लॉक ए पे स्प्रिंग के द्वारा कोई फोर्स नहीं होगा तो और यहां पे भी नॉर्मल रिएक्शन उसी पल जीरो हो जाएगा ठीक है क्योंकि ब्लॉक इक्विलिब्रियम में है इस समय वेलोसिटी जीरो है तो आपका एफनेट जीरो होने के लिए नॉर्मल भी जीरो हो जाएगा सो एट नेचुरल लेंथ ठीक है स्प्रिंग फोर्स जीरो तो एन की वैल्यू जीरो बट बी की कुछ वेलोसिटी होगी वेलोसिटी ऑफ बी इज इक्वल टू वी ठीक है तो अब एनर्जी बैलेंस करो फाइनल e कह दो इसे तो ये कितना हो जाएगा हाफ इंटू टू एम इंटू वी स्क्वायर ठीक है तो ई इनिशियल इज इक्वल टू ई फाइनल अगर करें हम तो हाफ के एक्स नॉट का स्क्वायर इज हाफ टू एम वी का स्क्वायर ठीक है तो यहां से हमको मिल जाएगा हाफ हाफ कैंसिल हो जाएगा के बाई टू एम एक्स नॉट रूट के बाई टू एम एक्स नॉट इज इक्वल टू वी ठीक है अब हमें निकालना है कि इस वॉल ने कितना फोर्स लगाया तो क्योंकि हमने ये सिस्टम लिया हुआ है तो चेंज इन मोमेंटम ऑफ सिस्टम निकाल दो चेंज इन मोमेंटम ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू पी फाइनल माइनस पी इनिशियल ठीक तो पी फाइनल क्या है पी फाइनल इज टू एम टाइम्स वी और माइनस ई इनिशियल ज़ीरो है तो ये कितना हो जाएगा एक्स नॉट अंडर रूट अब एम और टू टू एम से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो टू एम के ऊपर चला जाएगा ठीक है टू एम के एक्स नॉट टाइम्स ये इसका चेंज इन मोमेंटम आ गया अब आपको पता है कि टोटल चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू इंपल्स इज इक्वल टू एफ डेल्टा टी ठीक है तो n टाइम्स डेल्टा t इज इज इक्वल इक्वल टू टू एवरेज एवरेज होगा ठीक है यही तो सिस्टम पे फोर्स लगा रहा होगा अगर वो एवरेज फोर्स एन लगा रहा है डेल्टा टी टाइम में तो टोटल कितना मोमेंटम चेंज कर देगा वो एन टाइम्स डेल्टा टी तो एन टाइम्स डेल्टा टी चेंज करेगा तो एन की वैल्यू आप यहां से कैलकुलेट कर सकते हो वन अपॉन डेल्टा टी एक्स नॉट टू एम के ठीक देखते हैं कौन सा ऑप्शन है टू एम के वाला यही ऑप्शन है ठीक है अ बॉल फॉल्स वर्टिकली ऑन अ फ्लोर विथ मोमेंटम पी एंड बाउंस रिपीटेडली इफ कोफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज ए टोटल मोमेंटम इम्पार्टेड बाई द बॉल टू द फ्लोर ये इजी क्वेश्चन है देखते हैं कैसे पहले P मोमेंटम से गिर रहा होगा उसके बाद जब रिबाउंड होगा तो इसका मोमेंटम हो जाएगा EP फिर ये EP से गिर रहा होगा फिर जब रिबाउंड होगा तो इसका मोमेंटम हो जाएगा ई स्क्वायर पी ठीक तो अगर हम पहले आफ्टर या इसको हम डायरेक्ट लिखते हैं टोटल चेंज इन मोमेंटम देखो पहले कोलिजन के बाद इसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं आफ्टर फर्स्ट कोलिजन डेल्टा पी अब मैं ऊपर वाले को पॉजिटिव लिख देता हूं नीचे वाले को नेगेटिव लिख देता हूं ठीक है तो या इनिशियल माइनस फाइनल करोगे इंपार्टेड पूछ रहा है आफ्टर फर्स्ट कोलिजन मोमेंटम इंपार्टेड बॉल ने कितना मोमेंटम डाला फ्लोर को ठीक है दैट शुड बी इक्वल टू पी इनिशियल माइनस पी फाइनल अब पी इनिशियल की डायरेक्शन अगर आप पॉजिटिव ले लो ठीक है तो ऊपर वाला नेगेटिव लेना पड़ेगा तो ये हो जाएगा P माइनस ईपी e तो P सॉरी माइनस EP नहीं है माइनस ऑफ माइनस ईपी पी इनिशियल माइनस और फाइनल के साइन में हम लोग एक माइनस लगा रहे हैं ठीक है तो T दिस इज P वन प्लस ई ठीक आफ्टर सेकेंड कोलिजन कितना हो जाएगा देखो सेकंड कोलिजन हो जाएगा ई पी माइनस ई स्क्वायर पी और एक अंदर माइनस रहेगा तो दिस बिकम्स ई पी वन प्लस ई तो ये इनफाइनाइट तक जाएगा तो टोटल मोमेंटम इंपार्टेड इज इक्वल टू पी वन प्लस ई प्लस ई पी वन प्लस ई प्लस ई स्क्वायर पी वन प्लस ई ऐसे करते करते इनफाइनाइट तक तो ये हो जाएगा अगर आप वन प्लस ई वन प्लस ई कॉमन ले लो इसमें तो दिस बिकम्स वन प्लस ई प्लस ई स्क्वायर ठीक है तो ये जीपी का सम हो जाएगा पी वन प्लस ई ए आर टू दी ए अपॉन वन माइनस आर ठीक है तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है आई डोंट थिंक इसमें ज्यादा कॉम्प्लिकेशन होना चाहिए ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बुलेट ऑफ मास पेनिट्रेट्स थिकनेस एच फिक्सड प्लेट ऑफ मास एम ये एक प्लेट है जिसकी थिकनेस कुछ दी हुई है अब एक बुलेट है जो इसमें जाके एच थिकनेस तक जाती है और फिर स्टॉप हो जाती है ठीक है मतलब यहां से सपोज करो आप एच थिकनेस ये ट्रेवल करती है ठीक तब जबकि ये फिक्सड है कह रहा है कि अगर फिक्स ना हो तो कितना पेनिट्रेट करेगी ठीक है तो इस क्वेश्चन में एक एजेंशन होता है इस टाइप के क्वेश्चन में आप पहले भी कर चुके हो कि हम मानते हैं कि दोनों केसेस में जो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस ये प्लेट ऑफर करेगी वो सेम होगा फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय प्लेट इज सेम बहुत केसेस तो अब आप इजीली ये क्वेश्चन कर पाओगे देखो क्या क्या क्वेश्चन -क्या -क्या बनती है मैं बता देता हूँ आप सॉल्व कर लेना पहला केस लो कि इनिशियल इसकी मान लो कनें स्पीड यू है ठीक तो आप लिखोगे कि हाफ एम यू स्क्वायर ये सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी कौन खाएगा फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस खाएगा तो इज इक्वल टू एफ मान लो इसको एफ आर ठीक है एफ आर टाइम्स एच ठीक ये पूरी की पूरी कैंटिक एनर्जी इसका फ्रिक्शन खा जाएगा दूसरे केस में क्या होगा दूसरे केस में अब ये फिक्स नहीं है दिस फ्री। तो ये भी चलने लगेगी साथ में तो हम मानते हैं कि कुछ इसमें x दूरी ये चलता है और उसके बाद दोनों की कंबाइंड वेलोसिटी v हो जाती है ठीक है तो पहला दूसरे वाले क्वेश्चन में पहले तो मोमेंटम कंजर्वेशन करो तो एमयू बराबर लिखोगे आप अच्छा आपको मास दिए हुए हैं एंड थर्ड इक्वेशन जो बनेगी वो आपकी अगेन काइनेटिक एनर्जी चेंज में बनेगी तो इनिशियल इज हाफ u स्क्वायर ये क्या होगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ इनका फ एम प्लस एम वी स्क्वायर प्लस जितना फ्रिक्शन खा जाएगा एनर्जी ठीक है ये है तो यहां से तीन इक्वेशंस हैं वेरिएबल कितने है? अपने एक एफ आर वेरिएबल है एक यू वेरिएबल है और एक वी वेरिएबल है ठीक है हमें निकालना क्या है एक्स निकालना है तो वी कैन फाइंड आउट एक्स हियर ठीक है थ्री इक्वेशंस थ्री वेरिएबल्स सॉल्व फॉर एक्स ठीक है ये देखो ये एनर्जी कंजर्वेशन है ये आपका मोमेंटम कंजर्वेशन है और ये अगेन आपका एनर्जी कंजर्वेशन है ठीक है ठीक। बॉडी ऑफ मास एम इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट एच एच के हाइट से बॉडी को गिराया जाता है ड्रॉप्ड है ठीक एन अदर मतलब इसकी जीरो इनिशियल स्पीड दी हुई है ये मास एम है उसी समय Mass, mass फेंका जाता है जिसका वेलॉसिटी आपका वी है और ये एच बाई टू के हाइट पे कोलाइड करते हैं ठीक है यहाँ पे कोलाइड हो गए ठीक दिस डिस्टेंस इज एच बाई टू एंड दिस इज ऑल्सो एच बाई टीजन इज परफेक्टली इन अलास्टिक दलॉसिटी ऑफ कंबाइंड मास एट द टाइम ऑफ कोलिजन विद द ग्राउंड जब यह वापस ग्राउंड पे गिरेगा तो कितनी वेलॉसिटी होगी इसकी ठीक है ठीक है ये क्वेश्चन भी हम लोगों ने इस टाइप का किया है जेई वाले क्वेश्चन के डिस्कशन में देखो h बाई टू एच बाई टू समय में h बाई टू हाइट गिरने में कितना समय लग रहा है ठीक है ये हम निकाल सकते हैं टाइम कैसे निकालेंगे h बाई टू इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर तो t हो जाएगा आपका एच बाई जी ये हो गया टाइम ऑफ कोलिजन बहुत ही सिंपल अब बाकी चीज़ें आप निकाल सकते हो कि इतने टाइम पे इसकी कितनी वेलोसिटी थी इसकी कितनी वेलोसिटी थी तो उस समय सेंटर ऑफ मास की कितनी वेलोसिटी हो जाएगी ठीक है या आप ऐसे भी निकाल सकते हो इनिशियल सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी वी सेंटर ऑफ मास इनिशियल वो कितना होगा ऊपर का पॉजिटिव ले लेते हैं नीचे का नेगेटिव ले लेते हैं एम इंटू जीरो प्लस टू एम इंटू वी अपॉन थ्री एम तो टू वी बाई थ्री ठीक कहा ऊपर की तरफ तो टी टाइम बाद ऑफ एट टाइम टी वी सी यू एम कितना हो जाएगा यू सी यू एम माइनस जी टी ठीक तो ये टू वी बाई थ्री इनिशियल था पॉजिटिव था तो ऊपर की तरफ था माइनस जी इंटू अंडर रूट एच बाई ची ठीक ये हो जाएगा टू वी बाई थ्री माइनस अंडर रूट जी एच टी हो गया ये ठीक है अब देखते हैं अब हमें पता है वी सेंटर ऑफ मास हमने निकाल लिया एट कोलिजन के टाइम पे अब वो ग्राउंड पे गिरेगा तो ग्राउंड पे गिरेगा तो उसकी आप टाइम निकाल सकते हैं सपोज करो ये वी थ्री एम मास है इसकी इनिशियल स्पीड दी है वी सी ओ एम टी और इसको ग्राउंड पे गिरना है तो एच बाई टू की हाइट चलनी है इसे एच बाई टू का हाइट चलना है एक्सेलरेशन नीचे है सारी चीज़ें आप निकाल लो इसमें तो अब देखो हम लोग क्या करते हैं पॉजिटिव ले लेते ले हैं ऊपर निगेटिव ले लेते ले हैं नीचे तो माइनस एच बाई टू इसे नीचे जाना है तो माइनस एच बाई टू हमें क्या निकालना है क्वेश्चन में कितनी वेलोसिटी ऑफ कंबाइंड मास ना ठीक है तो हम क्या करेंगे V स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस वाला फार्मूला लगा देंगे V फाइनल हमें निकालना है इज इक्वल टू यू स्क्वायर इज वॉट इनिशियल वेलोसिटी हमें दिया हुआ है 2v वी बाई थ्री माइनस अंडर रूट जी का स्क्वायर ठीक प्लस टू आइस इंटू माइनस जी इंटू एच बाई टू ठीक है ये आ जाएगा आपका फाइनल यहां से आप निकाल सकते हो और आपको वी भी यहां से हटाना होगा इनिशियल वेलोसिटी इनिशियल ये जो वी दिया है इसको भी आप लिख सकते हो एच के फॉर्म में देखो ये एच बाई टू एच बाई जी टाइम में ये वाला मास वी वेलोसिटी से एच बाई टू डिस्टेंस चल रहा है तो इसकी इक्वेशन भी तो लिखोगे आप क्या होगी ये एच बाई टू इसको मैं दूसरे कलर से लिख देता हूं या यहीं पे नीचे लिखता हूं इसे ये हमें निकालनी है इक्वेशन ऑफ टू एम पार्टिकल फॉर एच बाई टू मतलब कोलिजन के पहले तक की डिस्टेंस तो एच बाई टू इज इक्वल टू यू टी यू इंटू अंडर रूट वी टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर ठीक है तो एच बाई टू इज इक्वल टू वी इंटू अंडर रूट एच बाई जी माइनस हाफ जी इंटू अंडर रूट एच बाई जी का स्क्वायर ठीक है तो so, यहाँ से आप देख सकते हो कि आएगा एच बाई टू इज इक्वल टू वी अंडर रूट एंड दिस बिकम्स ये एच बाई एच ठीक है तो एच एच इधर चला जाएगा एच इज इक्वल टू वी अंडर रूट एच बाई जी प्लस v इक्वल टू अंडर रूट जी एच ये आप इक्वेशन यहां डाल देना तो आंसर आ जाएगा आपका ठीक है अ पार्टिकल ऑफ मास है स्ट्राइक्स floor फ्लोर a यू मेकिंग making एन एंगल थीटा विद द फ्लोर एंड रीबाउंड विदोसिटी वी मेक एन एंगल फाइव विद द फ्लोर अगेन इस टाइप का क्वेश्चन भी हम लोगों ने मोस्ट प्रॉबली किया हुआ है ठीक है बस इसमें इक्वेश्स आपको सही सही लिखनी आनी चाहिए कह रहा है कि ये जब रिबाउंड होता है तो इसका एंगल कुछ और है इनिशियल एंगल बॉल इस तरह से आती है यू के वलॉसिटी से थीटा बनाती है फ्लोर के साथ और जब रिबाउंड होती है तो वी के वलॉसिटी से जाती है और एंगल बनाती है फाइव ठीक है द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बिटवीन द पार्टिकल एंड द फ्लोर इज ई तो सबको पता है आपको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वो तो मोमेंटम कंजर्व होगा तो म्यू कॉस थीटा इज इक्वल टू एमवी कॉस ऑफ 5 ठीक तो u कॉस थीटा इज इक्वल टू v कॉस 5 और u अपॉन v इज इक्वल टू Cos y upon cos theta. ये हमारी पहली क्वेश्चन बन जाएगी ठीक है दूसरी क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में द इम्पल्स डिलीवर्ड बाय फ्लोर टू द बॉडी इज तो वर्टिकल डायरेक्शन में डेल्टा पी लिखते हैं पहले फाइनल माइनस पी इनिशियल पी फाइनल कितना होगा एम वी साइन फाइव पी इनिशियल कितना होगा अगर पर वाला पॉजिटिव ले लें तो नीचे वाला हमें नेगेटिव लेना पड़ेगा तो दिस बिकम्स एम यू साइन है ये सॉरी कन्वेंशन दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव ठीक है माइनस एम यू साइन थीटा ठीक है सो so, अगर आप यहां से यू कॉमन ले लो या वी कॉमन ले लो लेट्स टेक एम वी एस कॉमन एम वी साइन फाइव को मैं कॉमन ले लेता हूं तो ये हो जाएगा वन प्लस उ मच यू बाई वी साइन थीटा अपॉन साइन फाइ ठीक है तो ये हो जाएगा एम वी यह क्वेश्चन में एम यू के फॉर्म में लाना है देखो जिस फॉर्म में आपसे पूछा हो वही निकालो तो ज्यादा बेहतर है आप क्या करो एम यू साइन थीटा कॉमन ले लो एमय साइन थीटा टेक कॉमन तो अगर आप एम यू साइन थीटा कॉमन लोगे तो बस ये ब्रैकेट के अंदर के टर्म्स चेंज हो जाएंगे तो एमयू साइन थीटा हो जाएगा इधर तो वी साइन फाइव अपॉन यू कॉस ऑफ थीटा सॉरी नॉट कॉस साइन प्लस वन ठीक अब एम यू साइन थीटा आपका ऐसे ही रहेगा वन प्लस वी बाई यू वन प्लस वी बाई यू वॉट इज वी बाई यू इज कॉस थीटा अपॉन कॉस फाइ और ये साइन फाइव अपॉन साइन थीटा ठीक है तो यह हो जाएगा एम यू साइन थीटा वन प्लस देखो ये टेन फाइव ठीक है, दिस बिकम्स वन प्लस एमयू साइन थीटा वन प्लस टेन फाइव अपॉन टेन थीटा अब वर्टिकल डायरेक्शन में हमें एक और चीज लिखनी होगी ई वर्टिकल डायरेक्शन ई की वैल्यू क्या हो जाएगी वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन दैट इज वी साइन फाइ अपॉन वी साइन फाइ सेपरेशन है यू कॉस यू साइन थीटा ठीक है तो अब क्या करते हैं वी बाई यू पहले से डाल देते हैं फ्रॉम फर्स्ट वी बाई यू की अगर मैं वैल्यू डाल दूं तो दिस बिकम्स कॉस थीटा अपॉन कॉस फाइ साइन फाई अपॉन साइन थीटा तो ये हो जाएगा आपका टेन फाई अपॉन टेन थीटा ठीक है अब आप देख सकते हो कि सेकेंड इक्वेशन का मतलब हो जाएगा डेल्टा पी इज इक्वल टू एम यू साइन थीटा वन प्लस ई तो ये आपका थर्ड इक्वेशन हो जाएगा और अब आप आपका देख सकते हो क्या क्या ऑप्शंस हैं यही तो impulse होगा ठीक है फिर कह रहा है, time 5 by 10 theta is e, हमने क्या निकाला है? E की value निकाला है 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 की तो second भी correct हो जाएगा अब <coughs> v is equal to U, ये solve करना है, देखो ये भी बहुत ट्रिकी नहीं है आर एच एस लेके सॉल्व करो इसको सिंप्लीफाई कर दो ई e की वैल्यू डाल दो और देखो कि क्या ये V के फॉर्म में आ रहा है कि नहीं ठीक है जैसे C पार्ट RHS की वैल्यू हम लोग लिखते हैं क्या है देखो वन माइनस वन माइनस ई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा वन माइनस वन माइनस ई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ये है और ब्रैकेट के बाहर है U ठीक है तो व्हाट यू डू इज इसको सिंपलीफाई करो अब वन माइनस वन माइनस ई की वैल्यू हमने निकाली है टेन स्क्वायर फाई अपॉन टेन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा अब मल्टीप्लाई कर दो साइन स्क्वायर तो यू वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस अब ये हो जाएगा टेन स्क्वायर फाइव साइन स्क्वायर साइन स्क्वायर कट जाएगा ये कॉ स्क्वायर थीटा हो जाएगा अब देखो अब ये वन माइनस चला जाएगा तो यू अंडर उड वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज वॉट स्क्वायर थीटा और ये प्लस हो जाएगा प्लस टेन स्क्वायर फाइव को स्क्वायर थीटा यू कैन सी अब क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा u कॉस थीटा बाहर निकाल लेते हैं कॉस स्क्वायर थीटा पूरा कॉमन ले लो तो so, u कॉस ऑफ थीटा कॉमन ले लिया मैंने तो दिस बिकम्स वन प्लस tan स्क्वायर 5 तो दिस इज u कॉस ऑफ थीटा दिस इज अंडर रूट sec स्क्वायर 5 और ये हो जाएगा u cos ऑफ थीटा sec थीटा sec 5 सॉरी तो ये हो जाएगा u cos ऑफ थीटा अपॉन कॉस ऑफ फाइव तो कॉस फाइव थीटा अपॉन कॉस फाइव हम लोग देख सकते हैं हमने निकाला था कॉस थीटा अपॉन कॉस फाइव वी बाई यू ठीक है तो ये हो जाएगा यू टाइम्स वी बाई यू दिस बिकम्स वी ठीक है इसी तरह से आप इस क्वेश्चन को भी करोगे इधर से e की वैल्यू डालो सॉल्व करो देखो वी स्क्वायर आता है कि नहीं ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अ ब्लॉक ऑफ मास m इज प्लेस्ड एट रेस्ट ऑन अ स्मूथ वेज ऑफ मास m प्लेस्ड एट रेस्ट ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस चलो ये स्मूथ है एज़ द सिस्टम इज रिलीज द सेंटर ऑफ मास रिमेंस ये तो बिल्कुल ही गलत है सेंटर ऑफ मास आपको पता है कि मूव कर रहा है आपका ये ब्लॉक तो सेंटर ऑफ मास भी चेंज होगा ठीक द सेंटर ऑफ मास सिस्टम हैज एन एक्सेलरेशन g वर्टिकली डाउनवर्ड द मोमेंटम ऑफ सिस्टम इज कंजर्व अलॉन्ग हॉरिजोंटल डायरेक्शन देखो हारिजोंटल डायरेक्शन के अलांग कोई फोर्स नहीं होगी नो फोर्स अलॉन्ग हॉरिजोंटल डायरेक्शन ठीक है तो ये क्वेश्चन ये पार्ट तो बिल्कुल ही सही है अब कह रहा है कि सेंटर ऑफ मास का वर्टिकली डाउनवर्ड में एक्सीलेशन कितना होगा ये तो पता है सेंटर ऑफ मास वर्टिकली डाउनवर्ड में एक्सीलट करेगा वो कितना होगा देखो एम मास तो आपका जी से इसका वर्टिकली डाउनवर्ड एक्सीलरेशन जी होगा तो सेंटर ऑफ मास का कितना होगा एम जी अपॉन एम प्लस एम तो ये हो जाएगा एम अपॉन एम प्लस एम टाइम्स जी ठीक है और ये एक्सीलरेशन जो होगा ए सेंटर ऑफ मास दिस शुड बी लेस देन जी क्योंकि ये एम अपॉन एम प्लस एम आपका लेस देन वन है तो डी आंसर इज करेक्ट और बी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा ठीक सिंपल सवाल है इसी तरह अब ये भी एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन इसे भी देखते हैं इन केस ऑफ रॉकेट प्रपोलशन चूज द करेक्ट ऑप्शन मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑलवेज रिमेन्स कॉन्स्टेंट क्या ये सही है गलत है उसमें मास पीछे की तरफ इजेक्ट हो रहा होता है ठीक है कुछ ये सिस्टम हमने देखा था ठीक v इस ये एस्केप वेलोसिटी होती है मास की मोमेंटम ऑफ सिस्टम हमेशा कांस्टेंट रहता है गलत है न्यूटन थर्ड लॉ इज अप्लाइड ऑब्वियसली इसी से तो बनता है कि जब ये मास बाहर की तरफ आता है बी से तो ये उल्टा उस पर उसको मोमेंटम आगे की तरफ देता है तो ये आगे चल पड़ता है रॉकेट इफ एग्जॉस्ट वेलोसिटी एंड रेट ऑफ बर्निंग ऑफ मास इज देन ऑफ द रॉकेट विल गो ऑन इंक्रीजिंग अब ये देखते हैं कि एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी होता है तो ये हो जाता था एम डी बी बाई डी टी प्लस वी जो बाहर वाली स्केप वेलोसिटी है रिलेटिव वेलोसिटी है टाइम्स डीएम बाई डी टी ठीक है अब ध्यान से देखो कह रहा है कि इफ द एग्जॉस्ट वेलोसिटी अगर ये कांस्टेंट हो जाए एंड रेट ऑफ बर्निंग ऑफ मास डीएम बाई डी टी कॉन्स्टेंट हो जाए देन एक्सिलरेशन ऑफ द रॉकेट एक्सटर्नल फोर्स क्या है वो तो कॉन्स्टेंट है वो तो जी लग रहा है एम जी ठीक है एम जी ठीक देन एक्सेलरेशन ऑफ द रॉकेट विल गो ऑन इंक्रीजिंग देखो अगर ये कॉन्स्टेंट है ये कॉन्स्टेंट है दिस इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट ये तो कॉन्स्टेंट हो जाएगा ना दिस बिकम्स कॉन्स्टेंट तो कह रहा है कि एग्जॉस्ट वेलोसिटी एंड रेट ऑफ ऑफ बर्निंग मास इज केप्ट कांस्टेंट देन एक्सिलेशन ऑफ द रॉकेट विल गो ऑन इंक्रीजिंग ये तो गलत है एक्सिलेशन आपका कांस्टेंट हो जाएगा विल बी कांस्टेंट अब यहां पर एक कैच ये हो सकता है कि आपने कहा कि dm बाई डी हमने कांस्टेंट कर दिया v कांस्टेंट हो गया पर m आपका कांस्टेंट नहीं है ठीक है m आपका कांस्टेंट नहीं है तो अगर एम कॉन्स्टेंट नहीं है तो आप इस चीज को लिख लो पूरा कॉन्स्टेंट टर्म इस कॉन्स्टेंट को मैं हटाता हूं मैं लिखूंगा माइनस एम जी इज इक्वल टू एम डी वी बाई डी टी प्लस सी लिख देते हैं सर एक कॉन्स्टेंट टर्म ठीक है तो डी वी बाई डी टी की वैल्यू हो जाएगी माइनस सी माइनस एम जी अपॉन एम ठीक अब इसका हमें मैग्नीट्यूड चाहिए डी वी बाई डी टी की वैल्यू अगर मैग्नीट्यूड ले लें हम तो दिस बिकम्स कांस्टेंट अपॉन एम प्लस जी अगेन ये कांस्टेंट है एम की वैल्यू घटती जाएगी एम आपका घटता जाएगा तो डी वी बाई डी टी आपका बढ़ता जाएगा ठीक है अगर एम घट रहा है तो डीवी बाई डी टी बढ़ेगा तो इसका आंसर होना चाहिए करेक्ट ठीक है देन एक्सेलेरेशन और गो ठीक तब जबकि एम आपका कांस्टेंट नहीं है अगर आप एम कांस्टेंट मान लोगे तो मान लोगे कि एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है ठीक है न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाइड ऑब्वियसली न्यूटन सेकंड लॉ इज अप्लाइड दिस इज न्यूटन सेकेंड लॉके ये क्वेश्चन इजी है मोमेंटम का ये आप कर लेना दिस इज योर होमवर्क डू हम लोग डिस्कस करिए आसान है ज्यादा इसमें टफ नहीं है हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हाँ ये क्वेश्चन डिस्कस करता हूं मैं Two identical blocks A and B are connected by a spring as shown in figure. The block A is not connected to wall parallel to x-y axis. The block A is not connected, मतलब ये कह रहा है इससे connected नहीं है wall से. B is compressed from its natural length and spring and then left. जैसा हमने पहले question में भी discuss किया, इसको कुछ x0 compress करके छोड़ दिया गया. फिर कह रहा है acceleration of the center of mass of two blocks. क्या acceleration कांस्टेंट रहेगा? स्प्रिंग फोर्स आपका स्प्रिंग फोर्स कितना होगा किसी भी टाइम एट कंप्रेशन एक्स स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू के एक्स तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास हो जाएगा आपका पहले जब तक देखो ए बी हो जाएगा आपका के एक्स अपॉन ए बी आपका एम बी दिया हुआ है क्या टू आइडेंटिकल ब्लॉक्स अच्छा के एक्स अपॉन एम हो जाएगा ए आपका जीरो होगा इनिशियली क्योंकि वो कांटेक्ट में रहेगा वॉल के जब तक कि वो नेचुरल लेंथ पे नहीं आएगा तब वो चलना शुरू करेगा जैसा हमने पहले क्वेश्चन में देखा था तो ए सी यू एम क्या हो जाएगा ए बी बाई टू क्योंकि दोनों आइडेंटिकल हैं एम ए इज इक्वल टू एम बी ठीक है अब x आपका के एक्स बाई टू एम हो जाएगा x आपका क्या होगा इनिशियली कंप्रेशन ज्यादा कंप्रेशन कम होता जाएगा तो acceleration ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ टू ब्लॉक्स तो क्या होगा कम होगा सबसे ज्यादा होगा इनिशियली फिर नेचुरल लेंथ पे आते आते जीरो हो जाएगा acceleration. ठीक है तो उसके बाद क्या होगा एक्सटेंड होना शुरू होगा फिर उसके बाद एक्सटेंशन होना होगा और उसके बाद फिर एक्सेलरेशन दूसरे डायरेक्शन में आने लगेगा तो एस एच टाइप का होगा तो पहले घटेगा और फिर आपका उस वाले पे जीरो हो जाएगा किस वाले पे जीरो हो जाएगा नेचुरल लेंथ वाले पे तो फर्स्ट डिक्रीजेज एंड देन बिकम्स जीरो हो गया A. ठीक? वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास देखो वेलोसिटी क्या होगी वेलोसिटी तो बढ़ेगी जब तक इनिशियली आपकी जीरो होगी पर कुछ एक्सेलरेशन की वजह से वेलोसिटी बढ़ती जाएगी जब नेचुरल लेंथ पे आएगा तो फोर्स आपकी जीरो हो चुकी होगी उसके बाद वेलोसिटी घटना शुरू हो जाएगी ठीक तो इनिशियली क्या होगा कि वेलोसिटी बढ़ना शुरू होगी वेलोसिटी विल इंक्रीज ड्यू टू ड्यू टू एक्सीलेशन ठीक है ठीक तो क्या होगा इनिशियली वेलोसिटी आपकी बढ़ेगी उसके यार नेचुरल लेंथ वाले पोजीशन पे जाके फोर्स जीरो हो जाएगा उसको बढ़ाने वाला फिर उसको खींचने लगेगा तो थोड़े जाके कांस्टेंट होगी वहां पे ठीक है फर्स्ट इंक्रीजेज एंड देन बिकम्स कांस्टेंट एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ टू ब्लॉक्स आपको पता है आगे ही चलता जाएगा तो कॉन्टीन्यूसली इंक्रीज होगा वाई कॉर्डिनेट आपका रिमेन्स कॉन्स्टेंट होगा ठीक है अब यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो हम लोग कह रहे हैं कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कि पहले तो बढ़ती जाएगी फिर कांस्टेंट हो जाएगी तो इसमें कैच है पहले बढ़ेगी फिर जब एक नेचुरल लेंथ पे आ चुकी होगी स्प्रिंग उसके बाद उसके बाद देखो क्या होगा नेचुरल लेंथ पे जब आ चुकी होगी नेचुरल लेंथ पे जैसे ही आएगी वैसे ए चलना शुरू होगा जैसे ही ए चलना शुरू होगा बी आपका चल ही रहा है आगे की तरफ ए भी चल रहा होगा ठीक है थोड़े टाइम बाद क्या होगा कि इनका एक पर्टिकुलर कंप्रेशन पे जाके ये रुक जाएगी ठीक जब ये नेचुरल लेंथ पे आओगी, तब तक बी की कुछ वेलोसिटी आ चुकी होगी बी इसे फर्दर एक्सटेंड करेगा एक्सटेंड करेगा तब तक ये वेलोसिटी इसकी बढ़ती जाएगी पिछले वाले फोर्स की वजह से लेकिन एक पर्टिकुलर मोमेंट जब ऐसा आएगा कि जब ये फ्री हो चुके होंगे ठीक है ये आपका K है इसकी कुछ V फाइनल हो चुकी होगी इसकी भी कुछ V फाइनल हो चुकी होगी और ये सेम वेलोसिटी से चल रहे होंगे तब कोई फर्दर कंप्रेशन या एक्सटेंशन नहीं होगा स्प्रिंग में फाइनल स्टेट जो होगी वो मैं बताना चाह रहा हूं आपको दिस इज द फाइनल स्टेट ये एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से चलेगा ये एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से चलेगा तो नो फर्दर कंप्रेशन और एक्सटेंशन ठीक है ये फाइनल स्टेट है तो तब तक सेंटर ऑफ मास पहले सेंटर ऑफ मास इनिशियली रेस्ट पे था आपका जीरो है थारोम फाइनल आपका वी फाइनल है तो पहले जीरो होगा ठीक है उसके बाद बढ़ते बढ़ते कांस्टेंट हो जाएगा तो फर्स्ट इंक्रीजे देन बिकम्स कांस्टेंट ये इसका आंसर हो जाएगा ठीक सिमिलरली एक्सिलरेशन का है एक्सीलरेशन आपका कुछ इनिशियली होगा बाद में फाइनली जीरो हो जाएगा ए सी एम फाइनल इज इक्वल टू जीरो ठीक तो आज के लिए इतना ही आप ये क्वेश्चन फिर से ट्राई करना कुछ ना समझ में आए तो आप पूछ सकते हो चलो टेक केयर बाय बाय